पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। कायरता और भीरुता का कलंक स्वीकार नहीं। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना की भूमिका में विकसित हुआ है या नहीं, यह परीक्षा उसके सत्साहस की मात्रा को देखकर ही की जा सकती है। जो साहसी हैं वही आध्यात्मवादी हैं। मनुष्य के अंतराल में अगणित योग्यताएं, क्षमताएं, विभूतियां भरी पड़ी हैं। उन्हें जगाने एवं उठाने के लिए साहस चाहिए। भारी वजन की वस्तुएं क्रेन से उठाई जाती हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमताओं को साहस के बल पर ऊपर उठाया और सुविकसित किया जाता है। महानता के लिए जिन आधारों की आवश्यकता है वे तत्वतः सभी अपने अंदर विद्यमान हैं। ईश्वर ने किसी को दीन दुर्बल बनाकर नहीं भेजा। हर किसी के भीतर अपनी महान क्षमताओं महत्ताओं को ठूंस ठूंस कर भर दिया है। उनका उपयोग कर सकने की जिनमें भी हिम्मत होती है लाभ उठा लेते हैं, और जो भीरुता से ग्रसित होकर डरते हिचकिचाते रहते हैं उनके सामने से सौभाग्य के सभी मूल्यवान अवसर एक एक करके विदा होते चले जाते हैं। मनुष्य सर्वसमर्थ है, उसे अपूर्ण नहीं बनाया गया। परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। अशक्त और असमर्थ मानव की रचना यदि हुई होती तो उस कलाकार की सर्वोत्तम रचना को त्रुटिपूर्ण ठहराया जाता, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। भगवान की सर्वोपरि कला मानव प्राणी के सृजन में प्रस्फुटित हुई है, उसे बेजोड़ ही कहा जा सकता है। अपनी सारी महत्ता और विभूति बीज रूप में प्रभु ने मनुष्य में प्रतिष्ठापित की है, और इस बात की पूरी गुंजाइश तथा छूट रखी है कि कोई भी मनस्वी उनका उपयोग करके अपने विकास की सीढ़ियों पर निर्भय रूप से चढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करे। संसार के महामानवों के इतिहास स्वरूप वर्चस्व एवं कर्तृत्व का जब हम बारीकी से निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें जन्मजात रूप में कोई अलौकिक प्रतिभा प्राप्त नहीं थी। अन्य मनुष्यों की तरह वे भी सामान्य ही थे। उन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न हुए अगणित व्यक्ति आजीवन सामान्य एवं हेय परिस्थितियों में पड़े जिंदगी के दिन गुजारते रहे। वे अपने चारों ओर घिरे वातावरण में सीमा संकुल बने रहे। परिस्थितियां जहां ले गईं, समय जहां घसीट ले गया वहां चले गए, और व्यवस्था ने जिस तरह रहने के लिए बातें किया उसी को शिरोधार्य करके झुके खड़े रहे। प्रस्तुत वातावरण और परिस्थितियाँ यदि अनुकूल नहीं थीं तो उन्हें छोड़ा जा सकता था और अनुकूलता के क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता था, जैसा कि हर प्रगतिशील व्यक्ति ने किया है, किंतु साहस के अभाव में वे बेचारे कुछ नहीं कर सके। नदी में बहते हुए पत्ते अथवा हवा में उड़ते हुए तिनके की तरह वे उसी प्रवाह के अंग बने रहे जो अनिश्चित दिशा में गतिशील था। ऐसे प्रवाह में जो पड़ा हुआ है और हाथ पैर छोड़कर नियति के साथ बहता जा रहा है, उससे यह आशा कौन करेगा कि वह किसी महान लक्ष्य अथवा गौरवान्वित स्थान तक पहुंच सकेगा। महामानवों की एकमात्र विशेषता यह होती है कि वे विवेक का अंचल पकड़ते हैं और वर्तमान परिस्थितियों की अनुपयुक्तता का बारीकी से परीक्षण करते हैं। जो उन्हें उपयुक्त लगता है उसे दृढ़तापूर्वक बढ़ाते हैं, और जो अनुपयुक्त लगता है उसे बदलने के लिए अपने सारे शौर्य एवं साहस का उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य की सत्ता परिस्थितियों के गुलाम नहीं, वरन उन्हें बदलने एवं बनाने में पूर्णतया समर्थ है। चालू ढर्रे को बदलने में, नया वातावरण ढूंढने या बनाने में कुछ अनोखे लगने वाले कदम उठाने पड़ते हैं। कुछ अनोखा सा सोचना और अनोखा सा करना पड़ता है। यह घड़ियां मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़ी अटपटी होती हैं। पुरानी परिस्थिति छोड़ने में भय रहता है कि कहीं जो उपलब्ध है वह भी हाथ से न चला जाए, और नए कदम के बारे में आशंका रहती है कि कहीं असफलता ही हाथ न लगे। वर्तमान का मोह और भविष्य की आशंका, इन दोहरी मानसिक जंजीरों में जकड़ा हुआ व्यक्ति थोड़ी उधेड़बुन के बाद आमतौर से इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभी जो है उसी को बने रहने दिया जाए, पीछे कभी अवसर आया तो परिवर्तन करेंगे। सच बात यह है कि सारे जीवन यही परिस्थिति बनी रहती है। अनुपयुक्त को छोड़ने और उपयुक्त को अपनाने का अवसर कभी आता ही नहीं। जो है सो है, जो चल रहा है सो ठीक है। साहस के अभाव में और कोई निष्कर्ष निकल भी नहीं सकता। जीवन क्रम के परिवर्तन में जिस साहस की जरूरत है उसे ही महानता का बीज तत्व कह सकते हैं। योद्धा उसी को नहीं कहते जो शत्रु के साथ दो दो हाथ करता है। सच्चा शूर वह है जो अपनी आंतरिक दुर्बलता से लड़ने और उसे परास्त करने के लिए बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है।
और हेर फेर के दिनों में जो अप्रत्याशित कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें अविचल भाव से धैर्यपूर्वक सहन करता हुआ अपने प्रयास में अड़ा रहता है और देर सवेर में अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आशाओं उमंगों और चेष्टाओं को निरंतर सुदृढ़ बनाए रहता है। यह बहादुरी जहाँ होगी वहाँ परिस्थितियों का परिवर्तन सरल हो जाएगा। समीप न सही दूर सही इस संसार में उपयुक्तता प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। प्रस्तुत वातावरण ठीक नहीं बैठता तो दूसरे में प्रवेश करने के लिए विस्तृत क्षेत्र खुला पड़ा है। अनुकूलताएं घर बैठे नहीं आती, उन्हें ढूंढने जाना पड़ता है। प्रस्तुत वातावरण यदि असंतोषजनक है तो आवश्यक नहीं कि उसी के आगे सिर झुकाए बैठे रहा जाए। संतोषजनक आधार भी इसी संसार में मौजूद है और यदि हम उनकी समीपता प्राप्त करने की उत्कंठा रखें तो निस्संदेह वे मिल भी सकते हैं। मूल आवश्यकता इस बात की है कि क्या आंतरिक व्यामोह और कार्पण्य से लड़ने की बहादुरी की उपयुक्त मात्रा अपने भीतर विद्यमान है। यदि वीरता ने मन मस्तिष्क को जकड़ रखा है और साहसपूर्ण कदम उठाने में डर लगता है तो फिर भाग्य का रोना रोते रहने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। अपने देश का जनमानस दीन दुर्बलों जैसा है। हजार वर्ष की राजनैतिकता दासता और 2000 वर्ष की विचार विकृतियों ने हमें मानसिक दृष्टि से एक पतित परिस्थिति में लापटका है। उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के विचार अब हमारे लिए एक कहने सुनने भर के मनोरंजन मात्र रह गए हैं। कोई उन्हें काम में नहीं लाता, काम में केवल प्रवंचनाएं और हीनताएं ही लाई जाती हैं। आमतौर से हम ओछा जीवन जीने के आदि हैं। उसी ढर्रे ने प्रथा परंपराओं का रूप धारण कर लिया है। जीवन जीने का व्यवहारिक स्वरूप इन दिनों इतना नीचा है कि उसे नर पशुओं के उपयुक्त ही माना जा सकता है। इसी ढर्रे पर अपना सामाजिक जीवन लुढ़क रहा है। कहने भर के लिए कोई आदर्शवाद की दुहाई भले ही दे रहा हो पर जब उसे नंगा करके परखा जाता है तो सड़ी गली विकृतियों से भरी हुई ही उसकी अंतः स्थिति प्रकट होती है। लोभ मोह तृष्णा वासना स्वार्थ अहंकार छल दंभ ईर्ष्या द्वेष जैसे दुर्गुण ही अब मानव की गतिविधियों का सूत्र संचालन करते हैं। अपनी प्रवृत्तियाँ इन्हीं से प्रेरित रहती हैं। धर्म और सदाचार की चर्चा एक फैशन मात्र रह गई है। व्यवहार में उसे प्रयुक्त करना अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण माना गया है। इस प्रकार के जनमानस में किसी मित्र पड़ोसी कुटुंबी या हितैषी से यही परामर्श मिल सकता है कि ढर्रे की जिंदगी जीते रहा जाए। वे स्वयं भी ऐसा ही कर रहे होते हैं, इसलिए उनसे यह आशा भी कैसे की जा सकती है कि वे आदर्शवादिता की दिशा में कोई दूसरा ऐसा कदम उठाएं जो उनकी दृष्टि में घाटे जैसा हो। आज यह आशा नहीं की जा सकती कि कोई हमें आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता की गतिविधियां अपनाने का परामर्श प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा। वरन तथ्य यह है कि जब भी हम आकांक्षा व्यक्त करेंगे तभी उपहास एवं विरोध की झड़ी लग जाएगी। समर्थन तो कोई भी न करेगा, विचारों का विरोध किया जाएगा और क्रियाओं को असफल बनाने के लिए कुछ उठा न रखा जाएगा। तथाकथित हितैषी और शुभचिंतकों से इससे अधिक आशा किसी भी उस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए जो महानता की दिशा में बढ़ने और जीवन को सार्थक बनाने के लिए उत्सुक है। अनुपयुक्त अवांछनीय अनैतिक और असमंजस भरा जीवन गुजार देने में जिन्हें संतोष है उनसे कुछ कहना नहीं है, पर जिनके अंतरंग में इस सुर दुर्लभ मानव जीवन की महत्ता उसके प्रयोजन लक्ष्य एवं कर्तव्य के बारे में भाव उठते हों तो उनके लिए एक ही मार्ग है कि निरंतर उधेड़बुन में पड़े रहने की अपेक्षा साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए अपने मनोबल को प्रखर करें। सोचना यह होगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसी के सामने हम जीवन के सदुपयोग दुरुपयोग करने के उत्तरदायी हैं। नर तन के अलभ्य अवसर का समुचित प्रयोग न करने पर हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। नरक योनियों में भ्रमण तथा अंधकारमय भविष्य की यातनाएं हमें सहनी पड़ेंगी। यदि प्रस्तुत सुअवसर सदुपयोग कर लेते हैं तो आत्मकल्याण पूर्णता एवं परम लक्ष्य की प्राप्ति का आनंद हमें मिलेगा। शरीर सुख के लिए आत्मा को दुखी करना उचित नहीं। तुच्छ मनोरंजनों के लिए जीवनोद्देश्य को भुलाया नहीं जाना चाहिए। आत्मा की पुकार और परमेश्वर की वाणी को अनसुनी नहीं किया जाना चाहिए। लोग क्या करते और क्या कहते हैं इसी आधार पर हमारी गतिविधियां नहीं चलनी चाहिए। हमें विवेक का आश्रय लेना चाहिए और केवल वही सोचना चाहिए, वही चाहना और वही करना चाहिए जो हमारे महान गौरव एवं कर्तव्य के अनुरूप हैं। इस विचारणा को बार बार जब भी अवसर मिले मस्तिष्क में स्थान देना चाहिए। चिंतन और मनन में इन्हीं विचारों को प्राथमिकता और प्रधानता मिलनी चाहिए। अपनी आत्मिक स्थिति और भविष्य निर्माण के लिए महान कर्तव्यों का पालन करने की दूरदर्शिता यदि जाग पड़े तो अंतःकरण में समुद्र मंथन जैसी हलचल उत्पन्न होगी और एक महान प्रश्न उठ खड़ा होगा
वर्तमान ढर्रे को ही यथावत चलने दिया जाए अथवा उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। जिस तरह अब तक सोचा, चाहा और किया गया है उसी को चलने दिया जाए अथवा कुछ हेर फेर आवश्यक है। विचार करने की शैली और काम करने की पद्धति में आज की स्थिति आमूलचूल परिवर्तन मांगती है। निकृष्ट जीवन को उत्कृष्टता में परिणत करना सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी क्रांति है। जिसने यह कर पाया उसने सब कुछ कर लिया। जिससे इतना भी न बन पड़ा समझना चाहिए कि वह कुछ भी कर सकने में वंचित रह गया। दुनिया वालों की दृष्टि में कुछ पैसे कमा लेना, ऐश आराम के साधन जुटा लेना, मस्ती वाहवाही लूट लेना, दूसरों पर रौब दाब जमा लेना, अपने शरीर और वैभव को आकर्षक बना लेना, बस इतनी भर बातें जीवन की सफलता की कसौटियाँ हैं। वे इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। लोगों के सोचने के ढंग में जिन्होंने अपना सोचना मिला लिया है उनके लिए आकर्षण इन्हीं बातों में हो सकता है और क्रियाकलाप इन्हीं बातों में सीमाबद्ध रह सकता है। पर जिन्होंने विवेक एवं दूरदर्शिता को अंतः चेतना में स्थान दिया हो उनके सोचने और चाहने का स्तर कुछ दूसरा ही होगा। जिसने तात्विक दृष्टि से विवेक के आधार पर अंतरात्मा की साक्षी में जीवन समस्या पर विचार करना आरंभ किया उसे लोगों की समझ बहुत ही भौड़ी और संकीर्ण मालूम पड़ेगी। लोग शरीर और शरीर से संबंधित सुखों को ही सब कुछ मानते हैं। उनकी दृष्टि में आत्मा कोई शब्द तो है पर उसकी स्थिति, आकांक्षा, प्रगति एवं शांति के संबंध में भी कुछ सोचा और किया जाना चाहिए या कभी भी नहीं सोचता। फिर बेचारे उस दिशा में कुछ करेंगे तो कैसे? अस्तु उनका जीवन नर पशुओं जैसा शिष्णोदर परायण बना वासना तृष्णा की धूरी पर घूमता हुआ व्यर्थ विडंबनाओं के साथ समाप्त हो जाता है। जो मानव जीवन की अलभ्यता और महत्ता को मानते हैं उन्हें कुछ दूसरे ही ढंग से सोचना होता है। वे आत्मा की महत्ता को मानते हैं और उसकी आकांक्षा एवं प्रगति के लिए भी कुछ करने को उसी तरह तत्पर होते हैं जैसे शरीर की आहार विहार संबंधी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह मना स्थिति यदि बन जाए तो समझना चाहिए कि जीवन की सफलता का क्रम और आधार बन गया। मानव से महामानव बनने का ही का श्री गणेश हो गया। यह परिवर्तन प्रखर मनस्विता की अपेक्षा करता है। साहसी और शूरवीर ही यह सब कर पाते हैं। कायर और भीरू ढर्रे की प्रक्रिया को पलटने में असमर्थ रहते हैं। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, जो हो रहा है वही ठीक है, उसी का अनुगमन करना सरल है। जिनके मन की यह स्थिति है वे नर पशु का कलेवर छोड़कर नर नारायण का स्तर कैसे अपना सकेंगे? उत्कृष्टता की दिशा अपनाने से पूर्व लोगों के सोचने और करने के ढंग से अपना पृथक ढंग बनाने का निश्चय करना पड़ता है। इस संकल्प को दृढ़तापूर्वक पालन किए जाने बिना आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता को अपना सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सका। समीपवर्ती व्यक्तियों और गतिविधियों से भिन्न प्रकार की उल्टी मनोदशा और गतिविधियां अपना सकना दुर्बल मन वालों का नहीं वरन साहसी शूरवीरों का काम है। जिनके भीतर यह तत्व समुचित मात्रा में विद्यमान होगा वही कुछ महत्वपूर्ण कर सकने में समर्थ होगा, अन्यथा आदर्शवाद की ऊंची उड़ान उड़ने की कल्पना जल्पना करने में ही सिर खपाने वाले कितने ही शेख चिल्ली इस दुनिया में अनेकों बार उपहासास्पद बन चुके और कितने अब भी असफल मनोरथ बनने की तैयारी करने जा रहे हैं। महानता का मूल वह साहस है जिसके बलबूते पर व्यक्ति आज अपनी अवांछनीय मनोदशा और क्रिया पद्धति को बदल डालने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने में समर्थ होता है। आदर्शवादी लोग क्या कहते हैं, क्या परामर्श देते हैं, क्या चाहते हैं, इसकी रत्ती भर भी परवाह न करता हुआ इस आधार पर अकड़कर खड़ा हो जाता है कि जो उपयुक्त है, जो श्रेयस्कर है उसी को अपनाया जाएगा। फिर चाहे इसमें लोगों की भर्त्सना, उपेक्षा, उपहास, निंदा अथवा विरोध प्रतिरोध का ही सामना क्यों न करना पड़े। जिसने यह ठान लिया कि ऐश्वर्यवान बनने के लिए अवांछनीय मार्ग नहीं अपनाया जा सकता है, भले ही आदर्शवाद की राह पर चलते हुए रूखी रोटी खाकर और फटा कपड़ा पहनकर गुजारा क्यों न करना पड़े, वैसे ही निष्ठावान व्यक्ति आदर्शवाद भरी आध्यात्मिकता को अंत तक निभाते रह सकने में सफल होते हैं। अन्यथा भावावेश में लंबी चौड़ी योजनाएं बनाकर चुटकी बजाते आकाश पताल जैसी सफलताएं पाने का सपना देखने वाले जैसे ही कठिनाइयों का दौर सामने आता है मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। जवानी मर्द बहुत होते हैं, बातूनी शेरों की कमी नहीं, पर वीरता तो वास्तविक मोर्चे पर कट कट कर लड़ने पर ही परखी जाती है। लोगों का उपहास और स्वार्थ लाभ में तनिक सी कमी पड़ते ही जिनके पैर डगमगाने लगे वे बेचारे महान पथ का लक्ष्य प्राप्त करके रहने वाले महान पथिक कहला सकने वाले नहीं बन सकते।
व्यक्तिगत जीवन की सफलता की दृष्टि से पीड़ित युग की करुण पुकार के अनुरूप प्रबुद्ध आत्माओं के कर्तव्य पूर्ण करने की दृष्टि से आज की महती आवश्यकता यही मानव बनने की है। इसी में जीवन लक्ष्य पूरा करने का आत्मिक उद्देश्य पूरा होता है और इसी में युग की आवश्यकताएं पूरी करने वाले ऐतिहासिक युग पुरुषों की पंक्ति में खड़े होने का अवसर मिलता है। इसी में आत्मिक और भौतिक दोनों स्वार्थ साध हैं। भगवान की समग्र पुकार आज के सजग मनुष्य के सम्मुख इसी रूप में प्रस्तुत हो रही है कि उसे नरपशु की स्थिति में न पड़े रहकर नर नारायण बनने की परिधि में प्रवेश करना चाहिए। यह भावना अनेक सजग अंतःकरण वाले व्यक्तियों के मन में उठती, प्रखर होती और तड़पन उत्पन्न करती भी देखी जाती है, पर बात रुक जाती है वहीं जहां साहस का प्रश्न आता है। लोग क्या कहने लगेंगे? आज के सरल जीवन के स्थान पर कल न जाने किन अभाव अड़चनों का सामना करना पड़े, इन आशंकाओं में यद्यपि कुछ दम नहीं है तो भी वे विकराल प्रेत पिशाच जैसा रूप बनाकर कल्पना क्षेत्र में प्रवेश करती है और आत्मिक दृष्टि से बालकपन की सीमा में पड़े हुए इस भावुक व्यक्ति को डरा धमका कर भयभीत कर देती है। बेचारा सहम कर चुप हो बैठता है। इतना साहस कहाँ से लाए कि आत्मा की तुष्टि के लिए अज्ञान अंधकार में भटकने वाले तथा कथित शुभ चिंतकों की उपेक्षा कर सके और भगवान की संरक्षकता पर विश्वास करते हुए कल भी जीवन निर्वाह की व्यवस्था बनी रहेगी इस तथ्य पर विश्वास कर सके। जिसमें इतना साहस होता है वही कुछ बड़े कदम उठा सकने में समर्थ होता है और उसी के द्वारा अपने तथा अन्य असंख्यों के कल्याण का श्रेय साधन बन पड़ता है। क्या ही अच्छा होता युग निर्माण परिवार के सदस्यों में कुछ ऐसी आत्माएं निकल सकी होती जो भीरुता और कायरता की परिधि से ऊंची उठकर आदर्शवादिता और उत्कृष्टता के जीवन को धारण कर सकने का साहस दिखा सकी होती। ऐसे शूरवीर नर नारी यदि थोड़ी मात्रा में भी निकल सके होते तो समाज में एक नई लहर पैदा होती और उसके प्रभाव से अगणित अंधेरे में भटकने वालों को प्रकाश मिलता। अनुकरणीय उदाहरणों के अभाव में अनेकों अविकसित व्यक्ति अपने अरमानों को दबाए बैठे रहते हैं। ऊंचे उठने की लालसा वे इसलिए पूरी नहीं कर पाते कि उन्हें कोई मार्गदर्शक नहीं दिखता। सेनापति के अभाव में सेना क्या करे? इंजन के अभाव में रेल कैसे चले? नेता के अभाव में आंदोलन कैसे पनपे? चिंगारी के अभाव में दावा नल कैसे भड़के? जरूरत ऐसे लोगों की है जो परिवर्तन और सृजन का पथ प्रशस्त करने के लिए, कलियों को विकसित करने के लिए अपना गर्मा गर्म आदर्श प्रस्तुत करें और पिछड़ेपन की प्रगति को बदल दें। समय की चुनौती हर भावनाशील के सम्मुख कुछ कर गुजरने की अभिलाषा लेकर सामने आती है। उसका समुचित उत्तर वही देगा जिसमें विचारशीलता के साथ साथ हिम्मत भी हो। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने वस्तु स्थिति को ठीक तरह समझ लिया है। समझाने की दृष्टि से वे दूसरों को समझा भी सकते हैं पर इतने भर में कुछ काम चलने वाला नहीं है। लोग अनुकरण प्रिय हैं, जैसा घटनाक्रम अपने चारों ओर घटित होते देखते हैं उसी का अनुकरण करने लग जाते हैं। आदर्शवादिता को अपनाने के बहुत न सही थोड़े भी उदाहरण सामने आने लगे तो उनका भी अनुकरण किया जाने लगेगा और देखते देखते अनेक मनुष्य उस मार्ग पर चलने लगे। पर जब आदर्श की बातें करने वाले तो बहुत दिखें और उन्हें कार्यान्वित करने वाला कोई नहीं तो साधारण स्तर का व्यक्ति यही सोच सकता है कि यह सब कहने सुनने भर की बातें हैं, इन्हें व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में वे लोग जिनका उत्साह अपरिपक्व ही है निराश होकर चुप ही बैठ सकते हैं। इन अधखिली कलियों को यदि अनुकरणीय आदर्श सामने प्रस्तुत मिल सकता होता तो निश्चय ही उन्होंने प्रस्फुटित पुष्प का रूप धारण किया होता और अपने पराग से दूरवर्ती प्रदेश को सुगंध से भर दिया होता। आदर्श को व्यवहार में भी परिणत किया जा सकता है। वे केवल कल्पना की, मनोरंजन की, कहने सुनने की ही वस्तुएं नहीं हैं। यह सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ लोगों को अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रगति का पथ अवरुद्ध ही पड़ा रहेगा। युग की पुकार है कि हम लोग जो बढ़ चढ़कर आदर्शवाद की बात करते हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए भी आगे आए। समय को पलटने वाले महामानव आरंभ में अपने ही जैसी तुच्छ परिस्थितियों में जन्मे और बढ़े थे। उनमें साहस का सूर्य उगा। छुटपुट कठिनाइयां जिनसे आम तौर से लोग डरते और झिझकते रहते हैं उन्होंने उन्हें ठोकर मारी और आत्मा की पुकार पर वह करने को कटिबद्ध हो गए जिसके लिए उनका कर्तव्य देर से आवाहन कर रहा था। यह साहस जब उगता है तो पहाड़ से दिखने वाली आकांक्षाएं तुच्छ बन जाती हैं और वीर पुरुष खाई खंदकों को लांघते हुए उस उच्च स्थल तक जा पहुंचते हैं जहां से वह अनेकों का मार्गदर्शन करने, हिम्मत बढ़ाने और आगे बढ़ने में समर्थ होता है।
युग की विषमता क्रमशः विभीषिका का रूप धारण करती चली जा रही है। व्यक्ति अपनी मानवीय सत्प्रवृत्तियों का एक एक करके परित्याग करता चला जा रहा है। प्रेम, करुणा, सहृदयता, सौजन्य, सदाचार, संयम बुरी तरह घट रहे हैं और उनका स्थान वासना, तृष्णा, अहंकार, अनाचार को मिलता जा रहा है। मनुष्यता का स्थान पशुता ग्रहण कर रही है। स्वार्थ और संकीर्णता की अंधकार भरी निशा निविड़ होती चली जा रही है। इन परिस्थिति में मानव जाति को शोक, संताप, क्लेश, कलह, अभाव, अशांति और दुख दारिद्र से ग्रसित होते जाना स्वाभाविक है। लगता है यह विडंबना इस धरती को नरक के रूप में परिणत कर देगी और मनुष्य का अंतःकरण तथा परस्पर स्नेह सौजन्य मरघट में जलने वाली चिताओं की तरह भस्म होकर रहेंगे। जिस अनैतिक एवं अवांछनीय रीति नीति को अपनाया जा रहा है उसके दुष्परिणाम बहुत करके सामने आ रहे हैं। जब इन पापों का पूर्ण परिपाक होगा तो जटिलता इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा और सर्वत्र अविश्वास, आशंका, असुरक्षा, अशांति, अवांछनीयता एवं अनुपयुक्तता की भरमार दिखने लगेगी। यह धरती मनुष्यों के रहने लायक न रह जाएगी। वैयक्तिक जीवन की तरह सामूहिक जीवन की, समाज व्यवस्था की भी दुर्गति होने जा रही। अपराधों की, छल प्रपंच की बाढ़ जिस तेजी से आ रही है, सदाचार एवं कर्तव्य का बुरी तरह हनन हो रहा है और हर कोई असीम अधिकारों की असंभव मांग के लिए लड़ने मरने को खड़ा है।